उफ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दुआ सैयद, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं उनके लिए, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और एक ट्रेनर हूँ। रिसेंटली आपके लिए मैंने सारे ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू किए हैं, ट्यूटोरियल्स एंड लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कलर थ्योरी। साउंड्स बोरिंग राइट, बट कलर जो है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आपकी ज़िंदगी में कलर नहीं होगा तो ज़िंदगी क्या हो जाएगी? ब्लैक एंड वाइट। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट्स इन द कुक बुक। मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द हैक्स ऑफ यूजिंग अ गुड कलर। साउंड्स लाइक अ शॉर्टकट, लेकिन मैं आपको कोई हैक नहीं बताने वाली हूँ और कोई हैक है भी नहीं। आपने समझना है और देखना है कि कलर किस तरीके से यूज होता है इन डिजाइन, और अगर आप अच्छा कलर यूज करते हैं तो आपका जो क्लाइंट है या आपका जो ऑडियंस है या जो आपका काम देख रहा है वो खुश हो जाता है, और अगर आपका जो कलर है वो बुरा यूज हुआ हुआ है, उसकी कोई सेंस नहीं है, उसमें हाई कंट्रास्ट, सैचुरेशन वैल्यू सब कुछ बहुत लाउड है, तो वो आपके ऑडियंस को खून के आंसू रुला सकता है। आपको इस डिजाइन में या इस आर्टवर्क में देख के क्या फीलिंग आ रही है? आपको जो भी फीलिंग आ रही है आपने मुझे फीडबैक पे या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि व्हाट इज दिस कलर, रेड कलर में आपको क्या फीलिंग आ रही थी। अगर आपको फीलिंग आ रही है इसको देख के, या मुझे जो फीलिंग आ रही है इसको देख के, वो फीलिंग आ रही है कि देयर समथिंग रियली हीटेड अप, मतलब थोड़ा यहाँ पे कुछ गर्म गर्माइश सी चल रही है इस डिज़ाइन के अंदर, और इसको देख के ना मेरी आंखों में भी मतलब कुछ हो रहा है, और मुझे माई माइंड एंड माई ब्रेन इज नॉट एक्सेप्टिंग दीज कलर कॉम्बिनेशन एट द सेम टाइम। हाउ एवर, अगर मैं इसी डिज़ाइन को या इसी कलर को सेलेक्ट करके नाउ इट्स लुकिंग अ लॉट मोर बेटर देन द प्रीवियस वन, ऐसा क्यों है? अगर आपको लगता है कि यहाँ तक आप देखने के बाद आप समझ गए ऐसा क्यों है, तो फिर आपको आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी मास्टर एट कलर्स। इफ़ यू हैव नोन कि यहाँ पे क्यों हमें एक डिज़ाइन अच्छा लग रहा है वाइट ऐड करने के बाद। लेकिन अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता और आपको बुरा लग रहा है, बट यू डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट, तो फिर आप इस वीडियो को स्किप ना करें और आगे देखते चलें कि हम क्या करें। इस डिज़ाइन को देख के आपको क्या लग रहा है, इस कलर कॉम्बिनेशन को देख के आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि आज मैंने ये वाला वाइब्रेंट ब्लू कलर ज़रूर पहना है, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर ज़रूर पहना है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या फील हो रहा है? पर्सनली ये पिछले दो कैनवस से बेहतर है, पिछले जो हमने दो डिज़ाइन देखे हैं ये उनसे बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट मुझे फोकस पॉइंट पता चल रहा है, एंड वो फोकस पॉइंट क्या है? ये एरिया। ऑब्वियसली द टेक्स्ट इज बिगर, तो ये फोकस आपको वैसे ही ले रहा है, लेकिन कलर से भी ये फोकस ले रहा है। अगर हम यहाँ पे उसी तरीके से वाइट ऐड करें, देखा कितना फर्क पड़ गया। अब इसमें जो है कोई बात ही नहीं है, कोई फोकस पॉइंट ही नहीं है, सारी चीजें जो है वो आपस में म्यूट हो गई हैं। मुझे सिर्फ इसको पढ़ने में इंटरेस्ट रह गया, और बाकी मुझे ना कलर अच्छा लग रहा है, ना मुझे कलर का वर्ड अच्छा लग रहा है, ना मुझे बैकग्राउंड कलर अच्छा लग रहा है, क्योंकि एवरीथिंग बिकम्स इन वन लेयर। ठीक है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई फोरग्राउंड नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट ये जो ब्लैक यूज हुआ हुआ है यही येलो के साथ उठ रहा है, और ये लग रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बजाय। ऐसा क्यों लग रहा है कि व्हाट इज दिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के ये जो नीचे कलर लिखा हुआ है, हालांकि इसका टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा है, ऐसा क्यों है? विल सी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इसमें क्या है,
इसको देख के आपको क्या लग रहा है? मुझे इसको देख के, मैं बोल नहीं सकती हूँ क्या लग रहा है, लेकिन मुझे इसको देख के जो है वो काफी उलझन हो रही है, मुझे इरिटेट कर रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन। आई एम सो सॉरी, अगर किसी को ये बहुत अच्छा लग रहा है तो ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर अच्छा लग रहा है तो जस्ट गिव मी अ वैलिड रीजन इन द कॉमेंट सेक्शन, लेकिन मुझे ये क्यों नहीं अच्छा लग रहा, आई विल गिव यू माई वैलिड रीजन, बिकॉज रेड इज सो सैचुरेटेड कि ब्लैक भी सैचुरेटेड है, रेड भी सैचुरेटेड एंड ग्रीन भी सैचुरेटेड है। जब तीन सैचुरेटेड कलर्स आर कमिंग टुगेदर, दे आर एक्चुअली बिल्डिंग अ वेरी मेकिंग अ वेरी बिग कैओस। वो आपस में जो कलर्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो कलर्स ने आपस में लड़ाई नहीं करनी, कलर्स ने आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है या कंट्रास्ट करना है। वैसे एक और चीज ये है कि आपकी जो अच्छी डिजाइन सेंस है ना, वो कंट्रास्टिंग कलर से बन जाती है। कंट्रास्टिंग कलर्स जो है वो आपके डिजाइन को, एक नॉर्मल डिजाइन को बहुत अच्छा भी बना सकता है। तो ट्राई टू यूज मोर कंट्रास्ट इन योर कलर्स। तो कंट्रास्ट होता क्या है, विल सी। अच्छा जी, हमारे पास है सारी जड़ों का एक सलूशन, रूट्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम एंड रूट्स ऑफ ऑल सलूशन इज दर कलर व्हील। कलर व्हील का नाम आपने सुना होगा, लेकिन कलर व्हील आपने कभी इस तरीके से यूज नहीं किया होगा कि आप अपना डिजाइन शुरू करें और आप कलर व्हील पहले से खोल के रखें। अगर आप न्यू भी हैं, बिगनर हैं, तो आप कलर व्हील को जरूर हमेशा अपने पास खोल के रखें, या अपने पास मार्कर्स रखें और अपने ब्लैंक स्केचबुक पे इस सारे कलर्स को, ये जो कलर व्हील के ऊपर जितने भी कलर्स हैं, सारे कलर्स को आप मार्कर से मार्क कर लें और इन कलर्स के आपस में कॉम्बिनेशन बनाएं। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे अभी हम देख लेते हैं। पहले तो हम स्टडी करेंगे कलर व्हील है क्या। ये वाली साइड जो है ये इतनी, और ये वाली जो साइड है इतनी, क्या फर्क है दो साइड्स में? जो पहली साइड है जिसको हम साइड नंबर 1 कहेंगे, ये है वॉर्म कलर्स, और ये साइड टू कूल कलर्स। अच्छा, इसमें से ये वाला कलर और आई गेस ये वाला कलर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन याद है ये स्लाइड? गुड। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, रेड एंड येलो का, वो हमने इस स्लाइड में देखा था। अब समझ आया कि हमें इससे क्यों हीट नजर आ रही थी, हमें इससे क्यों गर्माइश इनर्जी, जो वार्म एनर्जी है वो क्यों एमिट हो रही थी इस डिजाइन से? क्योंकि कलर व्हील के अंदर ये दोनों कलर्स, येलो कलर एंड रेड कलर, ये दोनों कलर वार्म साइडेड कलर हैं, वार्म टोन्स हैं, वार्म कलर है। और अगर ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, ये वाला कलर और ये वाला कलर, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, तो ये एक ही कलर व्हील की एक ही साइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें या तो फिर इसके साथ कोई एक न्यूट्रल कलर यूज करना है, विच इज व्हाइट और विच इज ब्लैक, बट एट द सेम टाइम रेड एक्सेसिव यूज होगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा डिजाइन में यूज करना। ये तो हमने बात कर ली वार्म कलर्स की। अगर हम कूल कलर्स यूज करें, नहीं, कूल कलर से पहले अगर हम येलो के साथ ब्लू यूज करें, तो ये वाला कलर इसके साथ यूज करें, ठीक है? येलो के साथ ब्लू यूज हो रहा है, तो येलो के साथ ब्लू हमने कहाँ देखा था? यहां देखा था। दोबारा से हम लोग इसको इसके ओरिजिनल कलर पे ले जाते हैं, ब्लू कलर ऑल स्पेस। क्यों हमें ये बेहतर लग रहा था? अब आपको सवाल का जवाब समझ आ रहा है कि ये दो दो ग्रुप्स के कलर्स हैं, येलो एंड ब्लू आर द कलर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जब दो ग्रुप्स के कलर्स आपस में मिलते हैं तो वो कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं, वो देखने वाले की आंखों को अपील करते हैं और वो पॉप आउट करते हैं, और दे आर एक्चुअली क्रिएट्स अ मेमरी इन योर
इन योर डिज़ाइन कि आपने ये कलर्स इसलिए यूज़ किए थे, ठीक है। तो अगर आपका कोई लोगो है और उसमें आपने कंट्रास्टिंग कलर्स यूज़ किए हैं, तो वो कंट्रास्टिंग कलर्स की पहले तो आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए, लेकिन कंट्रास्टिंग कलर ऐसा भी ना हो कि वो आँखों को चुभने लग जाए। मैंने अभी शुरू में जो ब्लीडिंग आईज ब्लीडिंग वाली बात की थी, वो इसलिए कि आपके आंखों को कलर चुभना नहीं चाहिए, कलर अपील करना चाहिए। ये तो हमें समझ आ गया कि हमें ये क्यों अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारे पास एक और भी डिजाइन था, ये हमें सबसे बुरा लग रहा था और इसको देख के बस कुछ इरिटेशन हो रही थी। तो देखते हैं इसको, देखिए हमें इरिटेशन क्यों हो रही थी। इट वॉज येलो रेड एंड ग्रीन, दे आर ऑपोजिट। अब ये यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल बात आ जाएगी कि अब ये भी तो ऑपोजिट कलर्स हैं, रेड एंड ग्रीन, जिस तरह से येलो एंड ब्लू, तो ये दोनों एक साथ क्यों नहीं चल रहे थे? ये वाला कलर क्यों नहीं चला? क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी, दोनों कलर्स की इंटेंसिटी एक जैसी है। इंटेंसिटी मतलब दोनों कलर्स की सैचुरेशन एक जैसी है, वेयर एज येलो की सैचुरेशन ब्लू की सैचुरेशन से कम है। अगर हम लोग ब्लू और येलो को मिक्स करें, दे विल मेक अ ग्रीन, बट येलो हैज अ लोअर एंड लोअर इंटेंसिटी, और इसका जो काम है वो थोड़ा सा लो है एज कंपेयर टू ब्लू। लेकिन रेड और ग्रीन ये एक साथ एक ही इंटेंसिटी के कलर्स हैं, इसलिए दोनों एक साथ नहीं चल रहे। तो आपने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन रूल्स इस तरीके के हैं कि आपने ये देखना है कि आपने दोनों एक जैसी इंटेंसिटी के कलर्स नहीं यूज करने। सो डू नॉट यूज, वेट मेरी राइटिंग बहुत बुरी हो रही है इस पे, व्हाई डू नॉट यूज सेम इन intensity colors at the same time। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह यूज कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में एक बात बताई थी कि शेप्स जो है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके पास अगर शेप की इम्पॉर्टेंस आपको नहीं पता, तो आप डिज़ाइन में यू नो यू कैन नॉट डू एनीथिंग बेटर इन डिज़ाइन, जब तक आपको शेप की इम्पॉर्टेंस नहीं पता। तो हम यहाँ पे अपनी शेप वाली ही क्या नाम है स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और हम लोग शेप से कलर कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं पहले ट्रायंगल यूज करूं, लेट्स सी। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इसका मतलब एक ये कलर और एक ये कलर, और इन कलर को मैं साइड पे बना लेती हूं। एक ये कलर है हमारे पास, एक ये कलर है हमारे पास, एक ये है, या ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये हमारे पास हो गया एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हम अब हमारे पास हो गया है ट्रायंगल का कोटा पूरा। अब हम देखते हैं, ट्रायंगल को हम मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर से कैसे बनता है। लेट मी सी कि पेंटागॉन कैसे जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव, या
तो ये वाली साइड, ये ये ये, 1 2 3 4 5, फाइव साइड होती है पेंटागॉन की। तो हम अब फाइव कलर देखते हैं कि फाइव कलर कैसे बनता है। क्योंकि ये दो बहुत सिमिलैरिटी के साथ आ, इवन ये भी आ रहे हैं, लेकिन ये जब ये इतने सैचुरेटेड कलर्स है ना, तो ये दो लाइट कलर्स इतना मैटर नहीं कर रहे। लेकिन अभी ये इतना सैचुरेटेड ब्लू नहीं आ रहा, ठीक है इसमें। और जब आप लोग 32 या 72 व्हील कलर व्हील देखेंगे, तो उसमें और आपको कलर ब्लू या येलो या रेड के जो है और आपको टोन्स नजर आएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेस सैचुरेटेड है ये, और ये मोर सैचुरेटेड है। तो ऑलरेडी एक लेस सैचुरेटेड है, तो लेस सैचुरेटेड बैलेंस हो जाता, लेस लेस लेस, तीन लेस सैचुरेटेड, दो सैचुरेटेड। तो या तो इसको निकाल दें या इसको निकाल दें, कोई एक किसी को निकाल दें। तो आई थिंक पेंटागॉन इज नॉट वर्किंग, सही है। तो पेंटागॉन से हम लोग एग्री, मैं एग्री नहीं करती हूँ। बहरहाल आप लोग ज़रूर अपना बता दें कि आप लोग एग्री करते हैं या नहीं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डीपली स्टडी करते हैं कि व्हाट इज वार्म टोन्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कलर व्हील की एक साइड जो है वो वार्म टोन होती है, और वार्म टोन्स में जो कलर्स हैं नॉर्मली, जो कलर्स हमें लगते हैं कि वो वार्म कलर्स हैं, वो कलर्स हमारे पास रेड, येलो, ऑरेंज, और उसके अलावा मस्टर्ड येलो, ठीक है, और उसके अलावा और कोई कलर हो सकता है। तो ये आपको सेंस ऑफ हार्मनी, एंगर, एग्रेसिवनेस, एमरजेंसी, अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज रेड कलर हैज़ वेरी लॉन्ग, लाइक इट्स द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द कलर सीरीज। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है, दैट इज, अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो उसको वेवलेंथ पता होगा, लेकिन नहीं पढ़ी तो अगर आप गूगल पे जाएं और लिखें कलर, रेड कलर वेवलेंथ, तो वो आपको बताएगा कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है। तभी जब आपको साइन बोर्ड वगैरह देखते हैं आप, तो वो रेड ब्लैक के अंदर होते हैं, और उसमें आपको साइंस दिए हुए होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग, या यू नो लैंड स्लाइडिंग अहेड। तो ये वाले जो सिग्नल्स होते हैं, ये सारे आपको रेड और वाइट, ऑब्वियसली न्यूट्रल है, ब्लैक न्यूट्रल है, लेकिन ये आपको रेड में दिखाया जाता है। रात को भी रेड कलर विजिबल होता है। तो रेड कलर की डिज़ाइन में, डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। बट रेड कलर ऑल्सो इंडिकेट्स अ साइन ऑफ डेंजर, एंगर, एग्रेशन, पैशन, एंगर, and a lot more which you can tell, blood, ठीक है। और जब हम लोग गुस्से में भी होते हैं तो हमारा मुंह पिंक या रेड सा हो जाता है, तो वो भी ब्लड जो है हमारे अंदर ज़्यादा दौड़ना शुरू हो जाता है, तो हमें वो कलर नज़र आता है। उसके बाद है हमारे पास कूल टोन्स। कूल टोन्स जो हैं वो सेंस ऑफ कामनेस, कूल टोन सेंस ऑफ यू नो लोनलीनेस, सेंस ऑफ सैडनेस, ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कूल कलर्स होते हैं कलर व्हील के अंदर, वो एमिट करते हैं कूल एनर्जी। जब आपका माइंड कूल होता है तो आप उस एनर्जी को बहुत किसी और तरीके, उस एनर्जी को आप किसी और तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, आप उसको बड़े कॉन्शियसली और बड़े कामली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मूड है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वेयरिंग अ ब्लू कलर, तो आपका जो मूड है वो ब्लू कलर पहनने से फ्रेश भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, और इट कैन बी सैड और इट कैन बी म्यूट, राइट। तो हम लोग जब ग्रीनरी देखते हैं या ग्रीन क्या नाम है पार्क्स की तरफ जाते हैं, या हम लोग इन जनरल हम लोग को ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है, तो अगर हम लोग ग्रीन कलर देखते हैं तो वो हमें नेचुरल ग्रीन कलर, तो वो हमें देखते ही ग्रीन कलर, या घास देखते हैं, घास पे चलते हैं तो हमारे अंदर एक फ्रेशनेस आ जाती है। क्योंकि ग्रीन कलर जो है इसका एक तो मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव, ठीक है,
प्रोग्रेसिव है, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन कलर जो है वो फ्रेश को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन सिग्नल इसलिए होता है क्योंकि यही बात है, प्रोग्रेसिव और गोइंग टुवर्ड्स डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन एंड हैप्पी। और उसके बाद वॉयलेट्स, ब्लूज, ये सारे कलर्स आपको ठंडे कलर्स होते हैं। और ठंडे कलर किस तरह पता चलते हैं, क्योंकि मैंने नेचर में नोट किया है, या आप लोगों ने नेचर में नोट किया होगा कि हमारे जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, तो देखिए वैसे तो ये ब्लू कलर ही है, और ब्लू कलर के पीछे हमने थोड़ा सा सूरज का इम्पैक्ट दिया है। कंट्रास्ट कितना बिल्ड हो रहा है, कितना पॉप आउट कर रहा है, एकदम से सूरज ऐड करने से हमारे जो हिली एरियाज हैं वो हमें फ्रंट पे नजर आने लग गए हैं। इसलिए क्योंकि ये कूल कलर है, ये एनर्जी कूल एमिट कर रहा है, लेकिन वेराज जो हमारा सूरज है जो गरूब हो रहा है या तलू हो रहा है वो वार्म एनर्जी एमिट कर रहा है। एंड व्हेन दो बोथ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कम टुगेदर दे एक्चुअली पॉप आउट टुगेदर वेरी वेल। सैचुरेशन एक जैसी ना हो तो पॉप आउट वेरी वेल, अगर इंटेंसिटी एक जैसी हो सकता है कि दोनों दोनों ही कलर्स दब जाए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये मैंने आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की ही एग्जाम्पल दी है जो हमने कलर कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, कि ग्रुप करते हैं हम दो ग्रुप्स के कलर्स को आपस में, जब हम लोग ग्रुप करते हैं तो दे क्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स विच कैन बी पर्पल एंड येलो। पर्पल एंड येलो आर हैव द कलर गोल्स, सॉरी कपल गोल्स इन द डिजाइन। तो जब हम लोग येलो के साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो ये दो कॉम्बिनेशन दे हैव अ लॉट ऑफ कंट्रास्ट, दैट्स व्हाई उनका जो कपल गोल है ना, इन दोनों का जो कपल है इट्स अ हैप्पी कपल। तो ये एक हैप्पी कपल है, ठीक है। और अगर हम लोग यूज करते हैं येलो के साथ हम क्या यूज करें, रेड यूज करके देखते हैं। ठीक है, ये वो पहले वाली स्लाइड की बात है कि ये बोथ कलर्स जो हैं वो वार्म टोन है और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी नहीं है और इनकी इंटेंसिटी भी एक जैसी है, तो ये कपल जो है दैट इज अ सैड कपल। ठीक है, तो सैड एंड हैप्पी कपल्स कपल गोल्स कलर्स में भी चलते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से कपल की फॉर्म में रखें ना, कि ये दो कलर्स आपस में दे आर लुकिंग गुड टुगेदर, तो ये गुड कपल है, तो आप अच्छे कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू कर सकते हैं। नाउ इफ यू टेक दिस येलो अगेन, ये येलो हम दोबारा लेते हैं, और इसके साथ अगर हम लोग कोई अच्छे पिंक करके देख लेते हैं, पिंक हमने अब तक यूज नहीं किया, क्या चल रहा है ये? आई डोंट नो, ये वाला पिंक तो उसके साथ मुझे तो नहीं लग रहा चल रहा है। लेट्स सी अनदर पिंक जो थोड़ा कूल पिंक की तरफ है। ये मेजेंटा है बाय द वे, और ये लाइट पर्पल। आई थिंक ये दो कॉम्बिनेशन लुकिंग मच बेटर देन दीज टू, लुकिंग मच बेटर देन दीज टू। ठीक है, तो मुझे ये वाले ठीक लग रहा है। ये वाला ठीक लग रहा है और ये वाला नहीं सही लग रहा, तो ये वाला भी सही नहीं है और ये वाला भी ठीक है। और फिर येलो के साथ आप ब्लू भी कर सकते हैं, तो जब आप कलर व्हील आपको समझ आ जाएगा तो आप ये सारे कॉम्बिनेशंस कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का लिटरल मीनिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का लिटरल मीन है ऑपोजिट, सो ऑपोजिट अट्रैक्ट। ये वाली चीज आपने सुनी ही होगी, तो ऑपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट होता है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो सकता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कलर है या जो इंटेंसिटी कम और इंटेंसिटी ज्यादा का कलर है वो अट्रैक्ट जरूर करता है। अट्रैक्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि कंट्रास्ट बिल्ड हो रहा है, जिसमें कंट्रास्ट बिल्ड नहीं होगा वो कलर अट्रैक्ट नहीं करेगा। बाय कंट्रास्ट मेरा मतलब है जिस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा हो। अगर इसकी इंटेंसिटी ये है, इसकी इंटेंसिटी ऑब्वियसली सैचुरेटेड है,
और इसके साथ अगर मैं ये वाली इंटेंसिटी का कलर लगा दूं तो ये इसकी इंटेंसिटी इस कलर से कम है. वेयर एज अगर मैं इसी ग्रीन के साथ रेड कर दूं और इस इन दोनों को मैं एक साथ लेके चलूं, तो इनके साथ मुझे एक थर्ड कलर विच इज़ अ न्यूट्रल कलर ऐड करना पड़ेगा. वो ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे इनके बीच में एक न्यूट्रलाइजेशन क्रिएट करनी है. अभी मैंने आज एक पोस्ट लगाई है, एक खातून है उनकी मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है. इलस्ट्रेशन को मैंने वाइब्रेंट कलर्स और सेम इंटेंसिटी के कलर्स को भी यूटिलाइज करके वो मैंने पोस्ट किया. मुझे काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आपने खुद भी तो एक इंटेंसिटी के कलर्स यूज़ करके पोस्ट किया है तो आपने फिर क्यों किया, अभी आप तो मना कर रही हैं. तो बात यह है कि एक्सपेरिमेंटेशन इज़ इट्स नेवर रॉन्ग एंड नेवर बैड. क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन है इस बात की, मुझे नॉलेज है कलर थ्योरी की, इसलिए मैंने वो एक्सपेरिमेंटेशन करके आप लोग को दिखाई है तीन, और वो भी मैंने आपको तीन कलर चॉइसेस दिखाई हैं. तो वो तीन दिखाने का मकसद ये कि आपको डिफरेंस पता चले कि किसी किस में कलर दब रहा है और किस में कलर उठ रहा है. उसमें मैंने कोशिश की थी मैं रेड डाल दूं, लेकिन वो रेड इतना बुरा लग रहा था कि फिर मैंने वो थोड़ा सा पिंक कर दिया. वो पिंक में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पिंक में और पिंक और येलो जो है वापस में एक दूसरे से दब रहा है क्योंकि वो पिंक वार्मर पिंक है. तो मैंने यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन, ये नॉर्मल कलर है इलस्ट्रेशन का, इस इलस्ट्रेशन की जो खातून की स्किन कलर है उस स्किन कलर को मैंने ऑरेंज कर दिया. ऑरेंज के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है, लेकिन ये वाला ब्लू जो है इट्स काइंड ऑफ अ वेरी सैचुरेटेड. अब ये भी सैचुरेटेड है और ये भी सैचुरेटेड है. मैं अगर इस ब्लू के कलर को थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड कर दूं, देखें कितनी कितनी एक जरा सी टोन की वजह से ये जो खातून है ये इनका जो स्किन कलर है दैट्स पॉपिंग आउट. अगर मैं इसको थोड़ा सा और टोन डाउन करूं तो लुकिंग एक्सेलेंट. अब आपको समझ आया कि जब दो सैचुरेटेड कलर्स आप एक साथ यूज करते हैं तो दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे का इम्पैक्ट वो कैंसिल कर रहे होते हैं, एक दूसरे का अफेक्ट कैंसिल कर रहे होते हैं और वो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगती. लेकिन एक चीज़ को हम लाउड रखें और एक चीज़ को हम थोड़ा सा म्यूट या सटल रखें तो दोनों चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगी. अगर मैं इसी को यहाँ पे ले जाऊँ इसके ऊपर, क्योंकि ये वाला जो कैनवस है इसमें है जी ब्राउन कलर. अब ब्राउन के साथ काफ़ी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी या काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे कि ब्राउन के साथ क्या चल रहा है. अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये दो कैनवस में कलर ब्लू सेम हुआ है बैक पे, लेकिन सिर्फ इसके ऑरेंज की वजह से ये ज़्यादा पॉप आउट कर रहा है और इसके ब्राउन की वजह से ये इतना पॉप आउट नहीं कर रहा. तो लेट्स सी कि हम यहाँ पे ऐसा कौन सा कलर यूज़ करें कि ये ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूर करें लेकिन ओ माय गॉड मेरी आंखों को कुछ हो रहा है. लेट्स जस्ट टोन डाउन दिस कलर अ बिट, लेट्स सी क्या होता है. नाइस, अगर हम यहाँ पे पीछे एक शेड डाल दें तो लुक्स नाइस. ओके, हम इसको कर देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी. हम इसको साइड पे रख लेते हैं क्योंकि हमें ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है. अगर हम यहाँ पे रखें ये वाला येलो, अगर आप लोग नोट करें कि मैंने अपने कलर पैलेट के अंदर मैं सिर्फ ये वाले एरिया सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ नहीं जा रही हूँ, कॉर्नर्स पे मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, स्पेशली ये वाली जगह आप लोग इंटेंसिटी हाई हो जाएगी और ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. तो ये वाले अपने इतने वाइब्रेंट कलर्स एक साथ यूज़ नहीं करने फॉर नाउ फॉर दिस पर्पस. ये क्या है ब्लू, अच्छा फॉर दिस पर्पस क्योंकि समझा रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप यूज़ कर लें. लेकिन अगर आप लोग एक डिज़ाइन के अंदर एक टेक्स्ट भी डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी डालूंगी और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लैक के साथ ब्यूटी का कलर फिट लग रहा है, अच्छा लग रहा है. ये हमने इसके साथ यूज किया लुकिंग नाइस. अगर हम इसके साथ वही सैचुरेटेड रेड कलर यूज कर लेंगे टॉप वाला, अब देखें कितना
पथाटिक डिजाइन, कितना बुरा डिजाइन ये लग रहा है। अगर हम इसी को वाइट करते हैं, विच इज अ न्यूट्रल कलर, इट्स एक्चुअली नॉट लुकिंग बैड, बिकॉज हमारा जो फोकस है वो इस खातून पे है, इस वर्ड पे ज्यादा नहीं है। तो हमें ये अपनी पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं कि हमारा जो कोर कोर एम्फेसिस पॉइंट है वो ये खातून है या फिर वो टेक्स्ट है। अगर तो वो ये खातून है, या तो अगर वो आपकी इलिस्ट्रेशन है, तो आप उसको बेशक थोड़ा सा बड़ा करके उसके पीछे और उसको टच जो टेक्स्ट है और जो इलिस्ट्रेशन आपस में जब ओवरलैप करेगी, ठीक है, तो हो सकता है कि ये ओवरलैपिंग की वजह से और अच्छा लगने लगे। अब हम वाइट कहीं ना कहीं रिपीटेशन डिजाइन का एक प्रिंसिपल है, तो वाइट हम कहीं ना कहीं फिर यूज करते हैं, क्योंकि वाइट हमने अगर ऊपर टेक्स्ट में यूज किया तो आपने इलस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं वाइट आप जरूर यूज करें, ताकि वो एक वाइट कलर की कॉन्टिन्यूटी बिल्ड हो। अगर मैं इसके लेट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट, अगर मैं जस्ट इसके लिप्स को वाइट करूं, सी सी इट्स लुकिंग सो मच एक्सपेरिमेंटल, बट एट द सेम टाइम सो मच नाइस। आई डिडंट इवन एक्सपेरिमेंटेड दिस बिफोर, वरना मैं यही वाला एक डिजाइन जो है वो पोस्ट भी कर देती। ठीक है, अगर हम लोग इसके कलर होटो के कलर को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं लेट्स से ब्लू कलर, ये वाला ब्लू सैचुरेटेड बहुत है और ये वाला येलो भी सैचुरेटेड बहुत है, तो ये वाला ब्लू इस वाले येलो के साथ इतना सही नहीं चल रहा। इवन दो मैंने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट किया है उस पे ये वाला ही ब्लू यूज हुआ हुआ है, बिल्कुल से भी वाइब्रेंट यूज हुआ हुआ है, बट अगेन दैट्स फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज। तो मैं इस ब्लू को थोड़ा सा टोन डाउन करूंगी, इससे भी ज्यादा टोन डाउन करूंगी। ठीक है, तो अब आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स एंकर पॉइंट्स है, वो आपकी आई को बार 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 इस एरिया पे घुमाए जा रहे हैं। जब आपकी आई एक कैनवस पे मूव करने लग जाए इन अ ट्राइंगुलर पोजीशन, ट्राइंगुलर पोजीशन मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे एंड किया, मतलब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ देख रहे हैं क्योंकि इंस्टेंटली नजर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये, मतलब हम पूरे कैनवस पे अपनी आई को मूव कर रहे हैं, तो ये खूबसूरत हो गया है। ब्लू कलर इज माई फेवरेट। आपको कलर थ्योरी समझ आ गई है, आपको कंट्रास्टिंग कलर्स पता चल गए हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पता चल गए हैं, ये भी पता चल गया है जब आपका एक कलर का वेट ज्यादा है तो दूसरे कलर का वेट कम होना चाहिए, विच इज इंटेंसिटी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी जब आप कलर्स यूज करेंगे अपने डिजाइन के अंदर। मैं कुछ लिंक्स पोस्ट कर दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जाके कलर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वहाँ पे आई थिंक कलर जनरेटर्स भी हैं। बट आई विल गिव यू एन एडवाइस कि जब तक आप खुद कॉम्बिनेशंस बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप इवन वेबसाइट की हेल्प से भी कॉम्बिनेशंस कभी नहीं बना सकते और ना ही उसको समझ सकते। सो हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दुआ सैयद एंड